हाँ जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब तक हमने फर्टिलाइजेशन का जो है वो सारा डिस्क्राइब किया था। अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा रही हूं कि ये फर्टिलाइजेशन, ये यूट्रस है। इतनी बड़ी फेलोपियन ट्यूब होती नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर अब आपको फर्टिलाइजेशन क्योंकि दिखानी है, तो मैं आपको यहाँ पर बड़ी सारी फेलोपियन ट्यूब शो कर रही हूँ। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, कैसे आगे चलेगा ये प्रोसेस, ठीक है। यूट्रस मैंने छोटा बनाया है, और ये है हमारी फेलोपियन ट्यूब। ये मैंने बड़ी बनाई है जस्ट बिकॉज कि आपको ओके जी। फर्टिलाइजेशन में क्या पड़ा कि ये सेकेंडरी ओसाइट जो है वो कहां पर आकर वेट करता है 24 आवर्स के लिए। बहुत तेरे काम की चीज है पर आपकी कटकांड है, प्लीज स्विच तेरे काम की चीज है। लवप्रीत आपका माइक ऑन है। तो ये सेकेंडरी ओसाइट एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर आकर यहाँ पर 24 आवर्स के लिए पड़ा था। फिर हमने देखा कि स्पर्म्स जो हैं वो यहाँ से स्विम करते हुए आए और ये स्पर्म इसके अंदर एंटर हो गया। फर्टिलाइजेशन के सारे इवेंट्स हुए। सबसे पहले क्या हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम ने एंजाइम रिलीज किए और ये ओवम बन गया सेकेंडरी ओसाइट, और साथ के साथ वो पेनिट्रेट अंदर कर गया। अब क्या हुआ, अब जो स्पर्म की टेल है, जब बॉडी है, मिडल पीस वगैरह है, ये सब तो खत्म है। अंदर क्या एंटर करेगा, ओवम के सिर्फ और सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस। तो ये स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस कंबाइन होकर अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है जायगोट, जो कि क्या है, डिप्लॉयड। इसमें क्या हो गया, डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स ओवम के थे और 23 स्पर्म के थे, तो मिलाकर अब जायगोट के पास कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स। अब ये 46 क्रोमोसोम वाला जो जायगोट है, अब ये आगे डेवलप करेगा इनटू एन एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में डेवलप करने के लिए ये क्या करेगा, 30 घंटे के बाद इसमें एक डिवीजन होती है। अभी नहीं होगी, आफ्टर 30 आवर्स, 30 घंटे के बाद, 30 घंटे के बाद इसमें डिवीजन होगी, ठीक है। मैं आपको शो कर रही हूं, ये इस तरह से है हमारे पास ये जायगोट, और ये है इसका एक न्यूक्लियस। तो इसमें जो डिवीजन होगी वो क्या होगी, पहले न्यूक्लियस की, एंड इट विल बी वर्टिकल, प्लस साइटोप्लाज्म की, उसके बाद डिवीजन होगी और ये दो सेल बन गए। लेकिन ये दोनों सेल्स जो है वो किस चीज में थे, जो जायगोट है वो किससे बना था, ओवम और स्पर्म के न्यूक्लियस से। ये मैंने आपको सिर्फ रेड कलर से जो मार्क करके बताया, ये बताया है ओवम। लेकिन अगर हम एक बार रिकॉल करें ओवम के स्ट्रक्चर को, अगर हम ओवम के स्ट्रक्चर को रिकॉल करते हैं, तो इसके बाहर हमने, यस मैम, यस मैम, मेरी क्लास लीव हो गई थी मैम, एक बार दोबारा बता देना प्लीज। अभी रिकॉर्डिंग ऑन होती है, आप एंड पे बोला करो, ठीक है, बताते हैं मैं, वेट। ये है कोरोना रेडिएटा, हमने उस दिन पढ़ा था ये सब। ये है ओवम, कोरोना रेडिएटा, यस मैम। अरविंद को ऐड कर लो क्लास में, शो ही नहीं हो रहा बेटा मेरे पास, वो कह रहा है उसने ज्वाइन की हुई है क्लास को। कौन, अरविंद, अरविंद कर दिया, कोरोना रेडिएटा, और अंदर वाली लेयर है जोना पैनोसिटा। मैं आपको ये बता रही थी कि फर्टिलाइजेशन हो गई, हमने पिछले लेक्चर में फर्टिलाइजेशन डिटेल में पढ़ा,
कि सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से आकर कहां रुक गया, एम्पुला इस्थमस के जंक्शन पर, स्पर्म या वजाइना और यूट्रस से होता हुआ ये ग्रीन कलर का स्पर्म यहाँ पहुंच गया, दोनों मिल गए और क्या बन गया, जायगोट। लेकिन अभी भी ये जो जायगोट है या ये जो सेकेंडरी ओसाइट जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही थी ये अकेला नहीं पड़ा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन बेसिकली किसके अंदर हुई थी, जैसे ही यहाँ पर स्पर्म ने एंट्री करी थी तो ये क्या बन गया था, एक ओवम। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, एक ओवम। ओवम के बाहर के लेयर्स कॉर्ना रेडिएटा और जोना पेलोसिना। तो यहां पर भी हमें ये लेयर शो होगी इन द, ये जो ओवम है यहाँ पर, इसके बाहर भी अभी एक लेयर कॉर्ना रेडिएटा तो खत्म हो जाती है लेकिन जोना पेलोसिडा लेयर जो है वो अभी भी एज इट इज इंटैक्ट होती है इसके अंदर। यानी कि जब ये स्पर्म और ओवम का न्यूक्लियस मिलकर जायगोट बनेगा तो अभी भी जायगोट के बाहर जोना पेलोसिडा नाम की लेयर एज इट इज पड़ी हुई होगी। तो जोना पेलोसिडा के अंदर जो जायगोट पड़ा है उसके अंदर अब फर्स्ट डिवीजन होती है, फर्स्ट डिवीजन, और इस तरह की डिवीजन को बेसिकली हम बोलते हैं क्लीवेज। बेसिकली बिना रुके बिना कुछ किए लगातार तीन क्लीवेज जो है वो होती हैं इन द जायगोट। क्या हुआ, 14th डे पे सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से निकलकर आया, उसके बाद अगर सेम टाइम पर 24 घंटे के अंदर स्पर्म उसके अंदर एंटर कर जाता है तो वो क्या बन गया, ये जायगोट। जायगोट जिसके बाहर अभी भी जोना पेलोसिडा लेयर है, वैसे जोना पेलोसिडा लेयर किसकी थी, ओवम की थी, वो अभी भी जायगोट के पास एज इट इज ही पड़ी हुई होती है। 30 घंटे के बाद ये जायगोट जो है डिवाइड करता है और इसकी फर्स्ट डिवीजन को हम बोलते हैं फर्स्ट क्लीवेज। ये जो क्लीवेज है ये होती है वर्टिकल मैनर में इस तरह से। तो 30 घंटे के बाद अगर हम देखेंगे तो हमें जो है ये कुछ इस तरह का दिखेगा, बाहर जोना पेलोसिडा एज इट इज पड़ी है और इसके अंदर ये एक था सेल जायगोट जो है ये रेड कलर से जो मैंने दिखाया है, इसमें वर्टिकल डिवीजन हुई और ये दो सेल्स में बदल गया। ये जो दो सेल्स हैं इनमें से एक थोड़ा सा बड़ा होता है, स्लाइटली बड़ा होता है, और इन दोनों सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स में से एक जो है छोटा होता है, एक कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसा कब होता है, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद। फिर होती है सेकंड क्लीवेज, यानी कि इसके अंदर एक और क्लीवेज होगी, एक बार और डिवीजन होगी। अब ये डिवीजन कैसी होगी, ये डिवीजन होगी फर्स्ट डिवीजन के राइट एंगल पर, राइट एंगल पर ये ऐसे, ये यहां पर ऐसे। पहली डिवीजन क्या थी, इस तरह से वर्टिकल, और जो सेकंड क्लीवेज हो रही है वो क्या हो रही है, इस तरह से इन दोनों के राइट एंगल पर, मतलब ये एक और एक दो पड़े हैं तो इनके राइट एंगल पर इस तरह से ऐसे इनके अंदर डिवीजन होगी। तो अगर हम इसको डायग्राम के फॉर्म में देखना चाहें तो जोना पेलोसिडा एज इट इज पड़ी है और अब अंदर ये चार सेल्स आपको इस तरह से नजर आ सकते हैं, या आप इनको इस तरह से भी बना सकते हैं, दो सेल्स वो पीछे छुपे हुए हैं, मतलब दो आगे हैं तो दो पीछे हैं, दो आगे दो पीछे, इस तरह से हम इनको शो कर सकते हैं। ठीक है, 30 घंटे के बाद एक डिवीजन हुई, अगले 30 घंटे के बाद यानी कि तकरीबन 60 घंटे के बाद ये अगली एक और क्लीवेज इसके अंदर हो जाती है और ये चार सेल्स वाला इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसमें थे दो ब्लास्टोमियर्स तो ये क्या हो गए, 4 ब्लास्टोमियर्स। फिर से अगेन और डिवीजन होगी और अगली डिवीजन के बाद जोना पेलोसिडा एज इट इज पड़ा है। अब आप ये देखो साथ के साथ क्या हो रहा है, ये जो भी जायगोट था जो ब्लास्टोमियर्स में बदल रहा है ये साथ के साथ मूव कर रहा है कहां पर, यूट्रस की ओर, क्योंकि आपको मैंने बताया था फाइनली इसको कहां पहुंचना है, इसको पहुंचना है एंडोमेट्रियम के पास में जो कि थिक हो चुका है, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था जो कि एंडोमेट्रियम जो थिक हो चुका है इसको ये एंडोमेट्रियम के पास में पहुंचना है और यही एंडोमेट्रियम के अंदर ही ये फिक्स होगा। तो जैसे जैसे ये ब्लास्टोमियर दो फिर चार, चार से अब ये
आठ ब्लास्टोमियर वाली स्टेज में आ जाता है। तो ये बन गए एट ब्लास्टोमियर्स। और इसी तरह से फिर एट के हो जाते हैं 16 ब्लास्टोमियर्स। तो ये 16 ब्लास्टोमियर वाली स्टेज है ना, ये हमें दिखती है मलबरी जैसी। मलबरी क्या होता है, सबने देखा होगा शैतूत। शैतूत देखिए हमने पिंक पिंक रेड रेड से ऐसे छोटे छोटे से बॉल्स होते हैं इस तरह। यस मैम, है ना। तो अगर हम yes, ma'am. इस स्टेज पर मोरुला को देखें yes, ma'am. तो ये yes, हमें ma'am. 16 सेल्स वाला शैतूत का दिखेगा, एक शैतूत का फल जैसा yes, ma'am. पिंक पिंक कलर के, इसीलिए इसे मलबरी जैसा दिखने की वजह से इसे हम बोलते हैं मोरुला। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मोरुला जो है 16 सेल वाला स्टेज, अब ये आगे बढ़ा और ये फिलोपियन ट्यूब से फिसल कर कहां पहुंचेगा, यहां एंडोमेट्रियम तक। अब ये देखो जब ये फिसल के गिरेगा तो इसके जो 16 सेल्स हैं वो क्या करेंगे, वो उनको धक्का लगेगा और वो फाइनली, ये मैं बाहर दिखा रही हूं, जब ये 16 सेल्स हैं, जोना पेलुसिडा एज इट इज पड़ी है, जिसके 16 सेल्स हैं ये क्या है, इनको धक्का लगेगा और इनमें से कुछ सेल्स जो है वो यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ सेल्स ये मोरुला के अंदर ही क्या करते हैं, कुछ सेल्स तो यहाँ पर बाहर की ओर यूं इकट्ठे हो जाते हैं। मोरुला बनने के साथ ही जब अगली डिवीजन होती है तो कुछ सेल्स जो यूं बाहर की ओर इकट्ठे हो जाते हैं और ये वाली स्टेज यहाँ पर पड़ी है और जैसे ही ये यहाँ पर धक्का लगता है इसको फिलोपियन ट्यूब से यूं फिसल कर ये यूट्रस के अंदर जैसे ही आता है मोरुला, तो इसके कुछ सेल्स जो अंदर बचे हुए पड़े थे वो एक तरफ को इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, पानी से भरी हुई कोई चीज अगर है, कुछ भी बॉल के अंदर पानी भरा हुआ है, अगर वो स्लिप डाउन करेगी तो सारा पानी एक तरफ हो जाएगा। ऐसे ही अंदर जो सेल्स पड़े हैं वो सारे एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और इन इकट्ठे हुए सेल्स को अब हम क्या बोलते हैं, इनर मास सेल्स। एक तरफ जगह खाली होगी इसे हम बोलते हैं वेजिटल पोल, और जहां पर ये सेल्स इकट्ठे हो गए हैं उस जगह को हम बोलते हैं एनिमल पोल। वेजिटल पोल और एनिमल पोल, एनिमल पोल या इसका दूसरा नाम एक और है दैट इज एम्ब्रियोनिक पोल, यानी कि इस जगह पर ही एम्ब्रियो बनेगा, एक छोटा ह्यूमन बीइंग यहीं पर ही उसके सारे ऑर्गन सब कुछ तैयार होगा। ये जो बाकी वाला वेजिटल पोल है इसका काम क्या है, एक तो फूड प्रोवाइड करना और दूसरा प्रोटेक्शन देना। तो जो सेल्स ये ब्लू कलर के मैंने बनाए हैं जो बाहर की ओर यूं इकट्ठे हो गए थे मोरुला के अंदर, इन सेल्स को हम बोलते हैं, इस लेयर को, इन सेल्स की लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाई है ये क्या कर रही है, ये प्रोटेक्शन दे रही है। अंदर जो कुछ सेल्स थे वो जो इकट्ठे हो गए हैं उन्होंने क्या बना दिया, इनर मास सेल्स, और बाकी की जगह जो है वो क्या बच गई, वो बच गई खाली, और इस खाली जगह को अब हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। सील याद है, सिलोम हमने पढ़ा था प्लस वन में, सिलोम क्या होता है, क्या बोलते हैं मैम, ब्लास्टोसील, सील वर्ड COEL। ओके मैम, ओके मैम। सील वर्ड जो है इट हैज कम फ्रॉम सिलोम। सिलोम याद है, सिलोम मतलब कैविटी, खाली जगह। तो ये जो सारी ये जो खाली जगह बची है इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसील, ट्रोफोब्लास्ट और इनर मास सेल वाला ये जो सारा स्ट्रक्चर बना है हमारे पास, अब ये क्या बन गया है, ब्लास्टोसिस्ट। तो मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन। एक बार फिर से अब मैं बड़ी बड़ी डायग्राम्स बनाकर सारी बात फिर से आपको समझाऊंगी। वो कहां पर रहा है ये आप इस डायग्राम से एक बार इमेजिन करें, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन, यहां से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या पड़ा है यहाँ पर, सपोज ये एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक जायगोट। ध्यान से एक बार फिर से सुनना सारा प्रोसेस। जायगोट जो है इसके बाहर अभी भी एक लेयर है फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसे हम क्या बोलते हैं, जोना
फेलोसिडा, और ये अंदर पड़ा है जायगोट। अब क्या होता है, इस जायगोट के अंदर साथ साथ में ये मूव कर रहा है फेलोपियन ट्यूब से, इसको धक्का लग रहा है, ये इधर उधर को मूव कर रहा है। क्यों धक्का लग रहा है? एक तो फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जो सीलियां हैं वो उसको धक्का लगा रहे हैं कि वो यूट्रस की ओर फिसल कर जाए, इस तरफ को उसको धक्का लगाकर ये यहाँ यूट्रस की ओर इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ये साथ साथ में अपने आप को डिवाइड भी कर रहा है, तो इसमें होती है क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज होती है 30 घंटे के बाद, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद फर्स्ट क्लीवेज होती है, और फर्स्ट क्लीवेज क्या होती है? वर्टिकल, यानी कि अब जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के अंदर एक और एक दो, फर्स्ट क्लीवेज के बाद एक से दो सेल्स बन गए, और इन दो सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स। तो दिस इज टू सेल स्टेज, तो 30 घंटे बाद होती है। फिर अगले 30 घंटे यानी कि फर्टिलाइजेशन के 60 घंटे के बाद होगी क्लीवेज, एक और क्लीवेज टू। अब ये दो सेल्स जो थे ये राइट एंगल पर इस तरह से जो है फिर से एक और डिवीजन करेंगे, तो ये हमें कैसा दिखेगा 60 घंटे के बाद? बाहर जोना पेलुसिडा और अंदर अब ये चार सेल, ठीक है, जोना पेलुसिडा और ये फोर ब्लास्टोमियर्स। पहले एक सेल था जाएगा और फिर दो, अब ये होगी फोर सेल स्टेज। अब चार सेल्स के बाद अगली स्टेज फिर से एक और क्लीवेज, क्लीवेज नंबर थ्री। ये जो पहली तीन क्लीवेज हैं ये लगातार होती है विदाउट एनी ग्रोथ, अभी कोई ग्रोथ नहीं होगी, इसकी साइज नहीं बढ़ेगा, 30 घंटे के बाद लगातार जो ये डिवाइड करता रहेगा। अब ये चार से बन गए आठ सेल्स। ये होगी एट सेल स्टेज। साथ के साथ ये फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला से मूव करते हुए कहां की ओर जा रहा है? यूट्रस की ओर मूव कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? आठ से अब ये सेल्स बन जाएंगे टोटल 16। अब मैं इनको रेड कलर से ही दिखा रहा हूं। तो ये 16 सेल वाली स्टेज, 16 सेल स्टेज कैसी दिखती है? मलबरी जैसी, मलबरी यानी कि शैतूत, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोरूला। 16 सेल स्टेज मोरूला। अब ये जो मोरूला है इसके कुछ सेल्स जो है वो बाहर की ओर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, और ये हमें दिखेंगे कुछ इस तरह से, 16 सेल्स और आगे 32 और आगे डिवाइड अब लगातार करते ही जा रहे हैं। तो कुछ सेल्स में उन्होंने बाहर की ओर आकर बना दी एक लेयर, दैट इज प्रोटोब्लास्ट। और इसी टाइम पर, सेम टाइम पर क्या हो रहा है कि ये जो मोरूला था ये अब खिसक कर एकदम से गिरा है कहां पर? यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर आकर जब ये गिरा तो अंदर के जो ये सारे सेल्स इसके अंदर पड़े थे वो सेल्स क्या हुए? एक तरफ आकर इकट्ठे हो गए और दूसरी जगह जो है वो खाली हो गई। जहां पर सेल्स आकर इकट्ठे हुए हैं इस जगह को, इस पोल को, इस एंड को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक पोल या एनिमल पोल, और इसका ऑपोजिट वाला जो पोल है दैट इज वेजिटल पोल। एम्ब्रियोनिक या एनिमल पोल का मतलब है जहां से एम्ब्रियो यानी कि एक नया ह्यूमन बींग यहाँ पर तैयार होगा। इसके फंक्शंस भी आपको आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एम्ब्रियोनिक पोल या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक और एनिमल पोल। तो एनिमल पोल इज द साइट वेयर देयर इज एक्टिव डिवीजन ऑफ द सेल्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। सेल्स जो है लगातार एक्टिवली डिवाइड करेंगे ताकि यहीं पर एम्ब्रियो बने। बाकी की जो ये खाली जगह बची है यहाँ पर, ये जो सारी हमें खाली जगह दिख रही है इसे हम क्या बोलते हैं?
ब्लास्टो सील, सील मतलब सिलोम। तो ये अब पूरा स्ट्रक्चर ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोनिक कॉल और ये जो रेड कलर के हैं दे आर इनर मास सेल्स, यानी कि सेल्स का एक गुच्छा बना पड़ा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। तो ये अगली स्टेज होती है एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोलेशन। ब्लास्टोलेशन से मोरूला जो है वो क्या बन गया है, अब एक ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का जिसके पास खाली जगह, एक तरफ इनर मास सेल्स और बाहर ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये बदलेगा इनटू गैस्ट्रोला। कहां पर हो रहा है ये सारा काम, अभी भी ये सारा काम चल रहा है इन द तो यहां पर आकर ये हमारा जो ये ब्लास्टोसिस्ट था, अब ये गिरकर कहां पहुंचा हुआ है, ये पहुंचा हुआ है यहां पर यूट्रस के पास, ठीक है। ये इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, कहीं पर भी आकर, क्योंकि फिसल कर गिरा है तो ये कहीं भी आकर जो यहाँ पर रुक सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर का मैं एक बार स्ट्रक्चर रफली आपको दिखा रही हूँ सारा। ये इनर मास सेल, ये क्या है हमारा, एक ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर जो पर्पल कलर से मैंने लेयर बनाई थी, जो क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर यूट्रस के एंडोमेट्रियम तक पहुंचकर कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है। एंडोमेट्रियम मैंने आपको बताया था, एंडोमेट्रियम क्या है, वो सॉइल है जिसके ऊपर, जैसे सॉइल के अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए सॉइल क्या है, एंडोमेट्रियम। तो अब ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर अपने आप को टिकाएगा, और इसके यहाँ पर टिकने को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब ये अपनी रूट्स बनाकर अच्छे से अंदर गड़ जाएगा, दैट इज इम्प्लांटेशन। कैसे करेगा, ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं कुछ एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स जो है वो डाइजेस्ट कर देते हैं किसको, एंडोमेट्रियम को। पूरी एंडोमेट्रियम क्यों नहीं, एंडोमेट्रियम का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो यहां से टूट जाएगा, इतना खाली हो जाएगा, और ये जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट था अब ये यहां पर इम्प्लांट हो जाएगा। कैसे, ये इस तरह से, ये अब इसकी वॉल के अंदर ये सारा एंडोमेट्रियम ही है यहां पर, और ये एंडोमेट्रियम के अंदर ये इस तरह से दब गया, ठीक है। इसके अंदर ये रहा इनर मास सेल, जहां पर क्या बनना है, एम्ब्रियो बनना है। अब क्या होगा, अब अंदर के सेल्स और एक्टिवली डिवाइड होंगे, और डिवाइड होकर ये बदल जाएंगे तीन लेयर्स के अंदर। सेल्स जो है वो तीन तरह की लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड तो ये लगातार करते ही रहेंगे, लेकिन अपने आप को तीनों जो है अलग अलग तरह के सेल्स में बदल लेंगे। और ये जो तीन लेयर्स बनती हैं सेल्स की अलग अलग, इन तीन लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, इन तीन लेयर्स को हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। तो ये तीन जर्म लेयर्स वाला बन जाता है गैस्ट्रोला, ठीक है। पहले हमारे पास क्या बना था, मोरूला 16 सेल वाला जो शहतूत जैसा था, फिर उसके सेल्स एक जगह इकट्ठे हो गए तो क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट अब खूब डिवाइड करके तीन लेयर्स वाला ये स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैस्ट्रोला। मोरूला से ब्लास्टोसिस्ट का बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लास्टोलेशन।
ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रुला बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, तो अब ये तीन जर्म लेयर्स बन गई। सबसे पहले कौन सी जर्म लेयर बनती है? एंडोडर्म। जर्म लेयर का क्या मतलब है? जर्म मतलब जर्माइनल, जो कुछ जर्माइनेट करेगी। जर्माइनेट मीन्स कुछ नया पैदा करेगी। और फाइनली इन्हीं जर्म लेयर से क्या बनते हैं? हमारे ऑर्गन्स, यानी कि शुरू हो जाती है ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स का जनरेट होना। पहले बनती है एंडोडर्म, दूसरे नंबर पे बनती है एक्टोडर्म, और फिर तीसरे नंबर पे बनती है लेयर मेसोडर्म। अब ये तीनों लेयर्स हमारे अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को बनाती हैं। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या बनाएगी? एक्टोडर्म हमारी बाहर की आउटर कवरिंग बनाएगी, स्किन, नेल्स वगैरह ये सब चीजें बनाएगी। और एंडोडर्म, मेसोडर्म जो है इसे कुछ हमारे ऑर्गन्स बनेंगे। और जो एंडोडर्म है ये बनाती है हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, ये सब वाइटल ऑर्गन्स जो है वो एंडोडर्म से ही बनेंगे। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि पूरा ऑर्गन एक ही लेयर बना रही है। कुछ पार्ट जो है एंडोडर्म बनाएगी तो कुछ मेसोडर्म बनाएगी। जैसे किडनी का कुछ पार्ट जो है वो एंडोडर्म बना रहा है तो कुछ पार्ट जो है वो मेसोडर्म बना रहा है। तो इस तरह से करके हमारे सारे ऑर्गन्स तैयार होते हैं। कौन सी लेयर क्या ऑर्गन बनाएगी, ऑर्गेनोजेनेसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन